बिल्कुल नहीं, डर नहीं लग रहा ना? बिल्कुल नहीं यार, चलो ठीक है। बस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पीछे देख सकते हैं एक चट्टान के बीच में, एक चट्टान के बीच में एक मॉनेस्ट्री है, गुंपा है। एक्चुअली हम लोग जब वहाँ से आ रहे थे तब से मैंने शूटिंग किया था, लेकिन बैटरी और ये आपका जो मेरा एक्चुअली एसडी कार्ड जो पूरी तरह से फॉर्मेट हो गया है, उसकी वजह से नहीं हो पाया। तो अभी मैं वापसी जा रहा हूँ, तो उस समय पे मैं पिछले साल भी यहाँ पे आया था। जब भी मैं तवंग आता हूँ तो फिर मैं ये जो मॉनेस्ट्री है, गुंपा है, उसका मैं दर्शन ज़रूर करता हूँ, क्योंकि हमारा ये एक बहुत ही पुराना और एक बहुत ही स्पिरिचुअल है। तो जो कि हम बिलीव करते हैं इस ये मॉनेस्ट्री को, कि आज तक जितना भी जो जिंदा है, सही सलामत है, तो ये जो हमारा मॉनेस्ट्री है, इसके अंदर जो भगवान है, तो उसकी वजह से ही है। तो मैं ये वो करता हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ भी है, और जाते जाते मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी घुस रहा है नीचे तक एकदम। चलिए आइए, कैमरामैन संभाल के आइए आप भी। ये हमारा मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बर्फ बर्फ काफ़ी है यहाँ पे। और अब हम घर की ओर जा रहे हैं। एक्चुअली अब नीचे जाने में तो इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी हम जा रहे हैं यहाँ से। आइए आप लोग मेरे साथ। So nice, so nice. No. देख सकते सुंदरता। आप लोग भी आइए हमारा तवंग में। ये किसी विदेश में नहीं है, ये है हमारा अरुणाचल का एक बहुत ही छोटा सा जिला जिसे हम तवंग कहते हैं। तो तवंग का जो हम आज जिस जगह पे हम हाइकिंग के लिए गए हैं, वहाँ एक तो मॉनेस्ट्री आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया है, खोमचिन गोंपा, जो कि बहुत ही यहाँ का पुराना और बहुत ही माना हुआ गोंपा है। तो वहाँ पे जाके अब हम वापसी जा रहे हैं। आइए वहाँ पे काफ़ी, ये जो हमारा जो प्रेयर फ्लैग्स है हमने भी लेकर आया है, तो हम भी अभी कुछ देर में आगे में जाके हमारे एक जगह है वहाँ पे हम लगाएंगे। तुम्हें देख के तो लगता है से बहारों का मौसम आया हो, जैसे दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। इतना खूबसूरत जब जगह है तो बस गाना आप लोगों का ना सुनाऊं ये तो हो ही नहीं सकता। बैठने में जितना आराम लग रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन इतना आराम नहीं है, काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। तो पैंट भी वाटरप्रूफ तो नहीं है, बस एयर प्रूफ है थोड़ा, फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को एक गाना सुना दूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। आइए मेरे साथ में और आगे की ओर, जो जितना भी जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो मैं बस आप लोगों को दिखा के रहूँगा मैं। देखो कितना नैरो रोड है यहाँ पे, यहाँ से वन टाइम एक ही आदमी जा सकता है, बहुत ही मुश्किल है। और नीचे आप खाई देख सकते हैं, इतना इतना नीचे है कि अगर यहाँ से कोई गिर जाए तो बस इसका बात तो सोचिए बस, कि बस ऊपर वाले के प्यारा हो गया है आप लोग।
और यहाँ से एक बार गिर जाने के बाद में फिर आपका जो लाश जो है वो गन्ना करके सर हो तो ऊपर तो लेकर आना संभव नहीं है। आप देख सकते हैं नीचे कितना नीचे है, यहाँ से एक बार गया तो गया बस, इसके बाद में बस ख़त्म है, कोई भी ऊपर लेकर आने का तो कोई बात ही नहीं बनता। तो फिर भी हमारे यहाँ के लोग जी रहे हैं इस तरह से, और जो कुदरत का जो जितना जो सुंदरता है उसको हम लोग जितना हो सके डिस्टर्ब नहीं करते हुए, बर्बाद नहीं करते हुए। अभी देखिए ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना है, फिर भी हमारे यहाँ पे अप्रैल में भी बर्फ़ है, तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो तवांग का जो लोग है वो लोग कम से कम जो दुनिया के लिए कुछ ना कुछ तो योगदान कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने का। तो तवांग तो वैसे भी हमारा जो कार्बन नेगेटिव जो है, हमारा अरुणाचल को भी कह सकता है आप लोग कार्बन नेगेटिव, यहाँ पे एकदम कार्बन नेगेटिव ही कहते हैं यहाँ पे। और आप देखेंगे यहाँ पे पोल्यूशन फ्री है, और ज़्यादातर तो मैं कह नहीं पाऊँगा लेकिन पोल्यूशन फ्री तो है, मैं ये तो मैं दवाई के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को। तो बस आइए और सो नाइस, इतना रिलीफ होता है जब भी यहाँ आता है, तो खमजिन गुंपा में जब भी आता है तो बहुत ही सुकून महसूस होता है, ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी का जितना भी जो पाप है वो सब ख़त्म हो गया हो। आइए देखो मेरा कैमरा मैन गिर गया उधर। ये जो हमारा लॉन्ग लाइफ के लिए जो प्रेयर फ्लैग है वो हम लगाते हैं। दिसो क्रिका यहाँ तक ही है, देख सकते हैं वहाँ तक, आगे तक देखिए बहुत ही सुंदर है। अब इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, तो कैमरामैन आप यहाँ आइए, आप यहाँ बांध दीजिए, इसको मैं पकड़ लेता हूँ। आइए चलो चलो चलो, हाँ इसको मैं ना सब सब जी वो तो तुम मामा या कौन आलमदी माइका हो ओके। ये है जो प्रेयर फ्लैग हमने लगाया, सबसे लंबा हम लोग नहीं लगाया हुआ अभी तक, देख सकते हैं हम लोग, सुंदर है। बारिश की वजह से मेरा लेंस पूरा यहाँ पे बारिश पानी बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत शूट करने में तकलीफ हो रहा है। बर्फ सो डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। यहाँ देखिए ये जो चट्टान चट्टान जो आप देख रहे हैं, इसके यहाँ पे मेडिटेशन करने का जगह भी है। कैमरामैन आप आइए,
देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुकून है। ऑल राइट अभी जो वहाँ पे जाना था वो जा लिया। अभी वहाँ से मैंने हम लोग ने काफ़ी मोर देन 3 आवर्स का हाइकिंग किया है। अब वापस जा रहा हूँ, मौसम भी ख़राब है तो जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय। काफ़ी ठंडा है, जा रहा हूँ यहाँ से। समय में इनको भी रख के चौदह मेरा जो कैमरामैन है और दोस्त पीछे बैठा हुआ है, दोनों डर तो नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल नहीं, डर नहीं लग रहा ना? बिल्कुल नहीं यार, ठीक है। तेरा बस मौत तो यूं ही बदनाम है ना। कुछ नहीं, जगह बहुत सुंदर है, अच्छा जगह है, आगे देख सकते हैं।